योगी की परख उसकी बातों से नहीं होती, बल्कि उसकी परख होती है अंतर्दृष्टि और ज्ञान से। वास्तविक बात यह है कि योगी बहुत कम बोलता है, वो तो सदा चैतन्य समाधि में स्थित रहता है। वही सच्चा मुनि है जो मौनी है, उसका मौन स्वाभाविक होता है। साधारण लोगों का मौन साधने का कारण कृत्रिम होता है। गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 38 में कहा है कि ब्रह्म मौन है। निःशब्द ब्रह्म उच्यते, अर्थात ब्रह्म निःशब्द मौन है। मौनी भक्त भगवान की ओर खींचा चला जाता है और भगवान उसकी ओर। जगतगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मज्ञा पुरुष का जो वर्णन किया है, जीवन मुक्त पुरुष ऐसे चलता है जैसे अंधा, गूंगा और बहरा हो और जिसे कोई ज्ञान ना हो। साधु व ज्ञानियों का कहना है कि ईश्वर का ध्यान करने वाले को मूक और बहरा रहना चाहिए। जैसे निर्वात स्थान में दीप शिखा स्थिर रहती है, वैसे ही योग क्रिया करने वाले योगी की आत्मा शांत और स्थिर रहती है। उसका श्वास सुषुना से सूक्ष्म रूप में चलता है। शास्त्र में लिखा है कि योगी की पलक नहीं गिरती, श्वास प्रश्वास बाहर नहीं निकलता और उसका मन स्थिर रहता है। आजकल देखने में आता है कि कुछ योगी योग का पूरा ज्ञान रखते हुए भी अध्यात्म विद्या व योग का प्रचार करते हुए लोगों को ठगते फिरते हैं। संघादी और चेले बनाकर उसके अधिष्ठाता बन जाते हैं। योगी लोग संघ नहीं बनाते क्योंकि इसमें अंधकारी लोग घुसकर उसे बदनाम कर देते हैं, और न वे कोई भक्तों या शिष्यों का संगठन करते हैं क्योंकि उससे भ्रष्टाचार का भय रहता है। ऐसी संस्था आदि से सांप्रदायिकता व लोगों से घनिष्ठता बढ़ती है। सच्चे योगी न तो सार्वजनिक व्याख्यान देते फिरते हैं और न वे लेखादि लिखकर ही अपने को प्रसिद्ध करके पुजवाना चाहते हैं। जिनको वे उपदेश का अधिकारी जान लेते हैं उन्हीं को उपदेश देते हैं, और ऐसे ही लोग उनके पास पहुंच सकते हैं। प्रसिद्धि से आध्यात्मिक उन्नति में बड़ी बाधा पहुंचती है व साधना नष्ट होती है, अतः वो एकांत में ही रहते हैं। यही सच्चे योगी के लक्षण हैं। आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखे, ताकि हम आपके सामने इसी प्रकार के और तथ्य लाते रहे और सनातन संस्कृति विश्व में प्रचलित करें।